नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में गाइज हम लोग आए हुए हैं साउथ ईस्ट एडमिंटन के एरिया में जिसका नाम है लॉरल। गाइज इस एरिया की एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको सारी एमिनिटीज़ बहुत ही क्लोज वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेगी, प्लस स्कूल और मंदिर और गुरुद्वारा भी यहाँ पर बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। गाइज आज जो आपको घर दिखाएंगे वो बनाया है HD क्राफ्ट होम्स ने, और इस घर का जो साइज़ है वो है 2766 स्क्वायर फीट। कुछ घर के बेसिक फीचर्स ये हैं कि इसमें फ्रंट पर ही बहुत अच्छा स्टोन वर्क हुआ है, प्लस आपको ब्रॉड ड्राइववे मिलेगा। ड्राइववे के साइड में सीमेंट पैड है, वो भी एक अपग्रेडेड है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे साइज़ का बना हुआ है अगर आपको इस घर को रेंट पर देना है। अब आपको दिखाते हैं इस घर के अंदर का टूर। और गाइस अगर आपको मेरा चैनल और कॉन्टेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो के लिए आपको कोई भी कॉमेंट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अब चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस घर का टूर। सो गाइस अब हम लोग आ गए हैं इस घर की मेन एंट्रेंस से अंदर। यहाँ सामने मेन एंट्रेंस का डबल डोर जो है वो है 8 फीट लॉन्ग डोर, जो कि एज एन अपग्रेड है। जैसे ही आप इस घर के अंदर एंटर करोगे साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा एक मड रूम, और ये बहुत ही अच्छा स्पेशियस प्लान मड रूम बनाया हुआ है बिल्डर ने। तो यहाँ आप अपनी जैकेट और शूज़ वगैरह रख सकते हो। देखो जैसे मैंने गाइज अपनी जैकेट रखी हुई है, और यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो इस घर का 2 कार गैराज। तो ये इस घर का 2 कार गैराज, और इस गैराज के साइड से भी एंट्रेंस है, तो आप यहाँ से भी घर के अंदर आ सकते हो। और अब आपको लेके चलते हैं इस घर के फॉर्मल लिविंग रूम में। तो ये है गाइज इस घर का फॉर्मल लिविंग रूम एरिया। क्योंकि ये कॉर्नर प्लॉट है तो आपको बहुत ही नेचुरल लाइट मिलेगी इस घर में, और पूरे फर्स्ट फ्लोर पर टाइल्स दी हुई हैं और काफ़ी ब्राइटनेस आ रही है इससे इस घर में। अब आपको दिखाते हैं इस घर का फर्स्ट फ्लोर का मेन बेडरूम एरिया। तो यहाँ पे लगा हुआ है एक बहुत ही अच्छा वॉलपेपर, और पूरी तीनों फ्लोर्स में गाइज 9 फीट सीलिंग है। तो आप सेंटर में देखो HD क्राफ्ट होम्स ने बहुत ही अच्छे से लाइट फिक्सचर्स इस घर में लगाए हुए हैं, और इस बेडरूम के साथ में एक वॉक इन क्लोजेट भी है। तो ये आपका सारा क्लोजेट एरिया है यहाँ पर, जिसमें शेल्फिंग हुई है। और अब आपको दिखाते हैं इसके साइड में अटैच्ड है एक फुल बाथ। तो गाइज ये इस घर का फुल बाथ मेन फ्लोर पर, नीचे बहुत अच्छी टाइल्स हैं। और ये ऊपर लाइट फिक्सचर भी बहुत ही हाई एंड क्वालिटी के बिल्डर ने लगाए हुए हैं। अब आपको लेकर चलते हैं इस घर के किचन एरिया में। काफ़ी स्पेशियस किचन है इस घर की, प्लस आपको सेंटर में बहुत ही अच्छा आइलैंड मिलेगा, और यहाँ सेंटर में दिया हुआ है 2 बोल सिंक। और ये पूरा काउंटर स्पेस भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर गैस इंस्टॉल करोगे इस घर में। और ये ऊपर दी हुई है चिमनी। इस किचन में अंडर कैबिनेट्स लाइट्स भी दी हुई हैं, तो आप यहाँ पर काउंटर पे देखो काफ़ी अच्छी लाइट्स आपको मिलेगी। और कैबिनेट स्पेस भी, और कैबिनेट्स का जो लेआउट है और जो कंट्रास्ट है वो भी बहुत मैच कर रहा है इस घर के डिज़ाइन से। इस किचन में आपको यहाँ पर अंदर एक स्पाइस किचन भी मिलेगी। तो ये पूरी यहाँ पे स्पाइस किचन दी हुई है, जिसमें 2 बोल सिंक है। और स्पाइस किचन के गाइस देखो पीछे भी एक पेंट्री एरिया दिया हुआ है, जिसमें आप सारा अपना किचन का सामान स्टोर कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर सामने दिखाते हैं डाइनिंग एरिया। तो ये है इस घर का डाइनिंग एरिया जिसमें सेंटर में बहुत ही अच्छा शैंडलियर लगा हुआ है। पीछे आपको मिलेगी बहुत बड़ी साइज़ की विंडो और ये काफ़ी अच्छा डिसेंट साइज़ का डाइनिंग एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। डाइनिंग एरिया के साथ में ही है बैकयार्ड का डोर और यहाँ पीछे एक क्लोज डेक एरिया भी बनाया हुआ है बिल्डर ने। तो इस डेक को गाइज आप एज अ फ्यूचर में सन रूम भी बना सकते हो। और ये सारा बैकयार्ड है और ये पूरा आउटसाइड जो है ये सारा वाइनल है इस घर में, क्योंकि ये कॉर्नर प्लॉट है तो आप ये बैक एली से पीछे पॉन्ड पे भी जा सकते हो। अब आपको दिखाते हैं इस घर का फैमिली रूम। तो किचन के सामने आपको मिलेगा ये फैमिली एरिया जहाँ पर आपको सेंटर में मिलेगी इलेक्ट्रिक फायरप्लेस और आप इस सेंटर वॉल के चारों तरफ देखो गाइस बहुत ही अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं। और ऊपर सीलिंग पर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉट लाइट्स है तो काफ़ी ब्राइटनेस आ रही है इस घर में। और आप इस लिविंग रूम में टीवी यहाँ पर सेंटर में लगा सकते हो और लिविंग रूम के सामने भी बहुत ही अच्छी विंडो दी हुई है। सो गाइज ये था इस 2766 स्क्वायर फीट घर का मेन फ्लोर का टूर, जिसमें आपको मिलेगा एक फॉर्मल लिविंग रूम, एक फैमिली एरिया, बहुत ही स्पेशियस किचन प्लस एक स्पाइस किचन। और क्योंकि ये घर गाइज बहुत ही बड़ा है इसमें आपको मेन फ्लोर पर भी एक फुल बाथ और एक बेडरूम मिलेगा। अब आपको लेकर चलते हैं इस घर के सेकंड फ्लोर पर। सो गाइज इस घर के सेकंड फ्लोर पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इस घर के, जो मेरे साइड में जो ग्लास रेलिंग है ये एक अपग्रेडेड फीचर है यहाँ पर। सेकेंड फ्लोर पर पूरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कारपेट लगा हुआ है, प्लस आपको स्टेयर्स में ये गाइडिंग लाइट्स मिलेंगी जो घर की एम्बियंस बहुत इम्प्रूव करती है। तो चलो अब आपको दिखाते हैं इस घर का सेकेंड फ्लोर का टूर। सो गाइज अब हम लोग आ गए हैं इस घर के सेकंड फ्लोर पर और आप देखो यहाँ पर कितनी स्पेशियस और कितनी लाइट आपको यहाँ पर नेचुरल लाइट मिलेगी। अब दिखाते हैं आपको इस सेकंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। तो ये है गाइज इस घर का फर्स्ट बेडरूम और सेंटर में आपको बहुत अच्छा लाइट फिक्सचर मिलेगा। 9 फीट सीलिंग है यहाँ पर और यहाँ पे सामने मिलेगी आपको 2 डोर क्लॉजेट। तो ये यहाँ पर सारी 2 डोर क्लॉजेट में यहाँ अंदर शेल्फिंग हुई है तो आप यहाँ पर सारा सामान अपना प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और इसके सामने आपको मिलेगा अटैच फुल बाथ। तो यहाँ सेंटर में आप 2 लाइट देखो, यहाँ पर पेयर ऑफ लाइटिंग दी हुई है बहुत अच्छी। और ये फुल बाथ है। इस बाथरूम में गाइस टब दिया हुआ है और लाइट काफ़ी अच्छी है यहाँ पर पूरे बाथरूम में। और ये कॉमन डोर लॉबी में भी जाता है, दूसरा कॉमन डोर। अब आपको लेके चलते हैं गाइस इस घर के सेकंड बेडरूम में। तो ये इस घर का सेकंड बेडरूम और इस रूम में भी 2 डोर क्लॉजेट एरिया है तो अच्छी स्पेशियस क्लॉजेट है यहाँ पर भी। अब आपको लेके चलते हैं इस सेकंड फ्लोर के थर्ड बेडरूम में। सेंटर में गाइज बहुत ही अच्छा लाइट फिक्सचर, इसको आप एज अ फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और ये है इस रूम का ऑन स्वीट। और इसमें भी गाइस फ्रेमलेस ग्लास दिया हुआ है 8 mm का। और अब आपको दिखाते हैं इस फ्लोर का लॉन्ड्री एरिया। तो गाइस ये है इस घर का लॉन्ड्री एरिया। अब आपको लेके चलते हैं इस घर के मेन मास्टर बेडरूम में। तो गाइज ये है इस घर का मास्टर बेडरूम। ऊपर देखो गाइज इस घर में फैन भी लगा हुआ है सेंटर में वेंटिलेशन के लिए और काफ़ी अच्छी सीलिंग पे लाइट दी हुई है। प्लस ये सेंटर में यहाँ पर वॉलपेपर भी बहुत अच्छा है अब आपको दिखाते हैं इस मास्टर बेडरूम का ऑन स्वीट। तो इस ऑन स्वीट में गाइज आपको मिलेंगे 2 सिंक जो कि अपग्रेड होता है, और यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत ही बड़ा सोकर टब, और सामने मिलेगा एक स्टैंडिंग शावर। अब आपको दिखाते हैं गाइज इस सेकंड फ्लोर का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि बहुत घरों में अवेलेबल नहीं होता, तो वो फीचर है गाइज इस सेकंड फ्लोर पे बालकनी। इस बालकनी में गाइज आपको मिलेगी ग्लास रेलिंग्स और ये कवर्ड बालकनी है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। सो गाइज ये था इस घर का सेकंड फ्लोर का टूर जिसमें आपको मिलेगी एक बहुत ही अच्छी स्पेशियस बालकनी। बालकनी का फीचर गाइज बहुत ही लिमिटेड घर में होता है। प्लस आपको सेकंड फ्लोर पर मिलेंगे 4 बहुत ही स्पेशियस बेडरूम, 3 फुल बैथ और एक लॉन्ड्री एरिया। अब गाइज आपको लेकर चलते हैं इस घर के बेसमेंट में और आपको दिखाते हैं इस घर की बेसमेंट में आपको कितने बेडरूम मिलेंगे, और वो बेसमेंट आप एज अ पोटेंशियल रेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज इस घर की बेसमेंट में जाने से पहले आपको दिखाते हैं इस बेसमेंट की साइड एंट्रेंस। साइड एंट्रेंस के बाहर आपको मिलेगा एक वाइड सीमेंट पैड, तो आप बाहर से जब अपनी गाड़ी पार्क करोगे तो आप वॉक करके यहाँ साइड एंट्रेंस एक्सेस कर सकते हो, और ये साइड एंट्रेंस से आप इस घर की बेसमेंट को रेंट पे भी दे सकते हो। तो अब चलते हैं गाइज इस घर की बेसमेंट में, और ये मेन एंट्रेंस है यहाँ की। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं इस साइड पे बेसमेंट के। ये है इस बेसमेंट का लिविंग रूम, और लिविंग रूम में भी नीचे आपको 2 सामने विंडो मिलेंगी। प्लस ये बेसमेंट में भी गाइज 9 फीट सीलिंग है, और ये है इस बेसमेंट का किचन एरिया। डबल सिंक लगा हुआ है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छे से बेसमेंट बनाई हुई है। पूरी बेसमेंट में आपको हार्डवुड फ्लोरिंग मिलेगी, और यहाँ सामने है अब इस बेसमेंट का फर्स्ट बेडरूम। सेंटर में यहाँ लाइट फिक्सचर लगा हुआ है, और यहाँ पर भी बहुत नेचुरल लाइट आ रही है, और यहाँ सामने इसके है डबल डोर क्लोजेट स्पेस। काफ़ी अच्छी साइज़ की गाइज यहाँ पे क्लोजेट दी हुई है। अब आपको दिखाते हैं इस बेसमेंट का सेकंड बेडरूम। तो ये है गाइज इस बेसमेंट का सेकंड बेडरूम। अगेन पीछे एक बड़ी विंडो, और सामने डबल डोर क्लोजेट। इस 2 बेड की बेसमेंट को आप रेंट पर भी दे सकते हो, और यहाँ सामने स्टोरेज स्पेस है, शेल्फिंग है यहाँ पे, और यहाँ पर दिया हुआ है एक फुल बैथ। अब आपको दिखाते हैं इस बेसमेंट का एक बहुत ही अच्छा फीचर जो काफ़ी बेसमेंट में यहाँ पर नहीं होता। तो जैसे ही आप लॉबी से यहाँ पर आओगे, इस 2 बेडरूम बेसमेंट के सामने आपको मिलेगा एक बैचलर स्वीट जैसी स्पेस। तो यहाँ एक काफ़ी बड़ा लिविंग रूम है, तो अगर आप इस स्पेस को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप एज अ बैचलर स्वीट की तरह आप ये स्पेस को रेंट पर दे सकते हो। तो यहाँ पर भी एक क्लोजेट दी हुई है, और सामने दिया हुआ यहाँ पर फुल बैथ। तो ये पूरा एक एज अ बैचलर स्वीट दिया हुआ है यहाँ पर। अब आपको लेकर चलते हैं गाइज घर के मेन फ्लोर पर। इस बेसमेंट में यहाँ पर आप इस जगह को लॉन्ड्री एरिया बना सकते हो। यहाँ पर आप सामान वगैरह भी अपना रख सकते हो, और ये सारा बन जाएगा लॉन्ड्री एरिया। सो गाइज ये था इस 2766 स्क्वायर फीट घर का टूर जो कि बनाया है HD क्राफ्ट होम्स ने। गाइज बिल्डर की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। गाइज आई होप आपको मेरा चैनल और कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको मेरा चैनल और कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब स्टैट बहुत से लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप चैनल सब्सक्राइब करो, उसी से चैनल और आगे बढ़ेगा एंड वी विल मेक मोर गुड वीडियोज़ टुगेदर। प्लीज़ टेक केयर, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। नमस्ते, बाय।